Good morning, children. This is my 10th video of chapter Chemical Kinetics. In this video, I am going to highlight the effect of catalyst on rate of chemical reaction. The effect of catalyst on rate of chemical reaction. So, catalyst ka effect jaane se pehle, aur ye samjhe catalyst hai kya? Catalyst. Changes the rate of chemical reaction without any permanent change. catalyst में कोई change नहीं होता है, chemical reaction के rate को ये change करता है. change का मतलब increase और decrease कुछ भी हो सकता है. catalyst may increase or decrease the rate of chemical reaction. अगर कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. अगर डिक्रीज करता है, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हुआ? A substance whose presence increases the rate of chemical reaction without itself directly being consumed. बिना डायरेक्ट कंज्यूम हुए केमिकल रिएक्शन के रेट को यह बढ़ाता है. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. एंड द कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. अगर कैटलिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट. हियर यू नो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पोटासियम क्लोरेट KClO3. अगर इसको हीट कीजिएगा तो ये बनेगा पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन. लेकिन इस रिएक्शन को अगर स्टार्ट कीजिएगा तो कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा, तब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तब ऑक्सीजन बनेगा और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लगेगा. अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड. बट if you use manganese dioxide, a black color powder hota hai manganese dioxide, then reaction proceeds immediately and within 3 to 4 minute time emulsion of oxygen gas will come out. So MnO2 is
इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, मैंगनीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। इन द केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट आपने H2O2 का नाम सुना है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर नहीं सुना है तो कभी भी उसको ब्यूटी पार्लर में या अगर बाल को डाई करने के लिए जाते हैं सैलून में तो इस लिक्विड का इस्तेमाल होता है। H2O2 ये अपने आप डिकम्पोज करता है कौन चीज में, वाटर में और ऑक्सीजन में, ये डिकम्पोज करता है। मतलब H2O2 जो आज मार्केट से परचेज करके लाइएगा वह एक महीने के बाद बिल्कुल करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि H2O2 तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कम करने के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड मिला करके मैन्युफैक्चरर जो है तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को मार्केट में लॉन्च करता है। तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, फॉस्फोरिक एसिड एक्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट। अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं जो कैटलिस्ट एक्चुअली करता क्या है, जो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट किए बिना ही केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है, इसको जो है फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। इसको हम एक्टिवेशन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिवेशन थ्योरी के आधार पर इसका करना है, जो कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि कुछ खास टाइम के लिए ही होता है, ये अनस्टेबल होता है। और जब ये प्रोडक्ट में चेंज करता है तो कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है। जैसे देखो हम ए और बी को मिलाए, ये सी स्टैंड फॉर कैटलिस्ट, ये हमारा कैटलिस्ट हुआ। अलग क्या होता है, ए का बॉन्ड टूटता है और बी का बॉन्ड टूटता है। ए का बॉन्ड टूटा और ए का बॉन्ड टूट रहा है और ए बी के साथ में सी ये बना रहा है एक टेम्पोररी प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। जब ये प्रोडक्ट बनाता है ए बी वो कैटलिस्ट फिर से रिजनरेट कर जाता है, कैटलिस्ट फिर से निकल जाता है। कैटलिस्ट जो बीच में पार्टिसिपेट किया लेकिन बाद में फिर बाहर निकल गया। अब हमको जानना है ग्राफ पेहल के एक्टिवेशन थ्योरी के आधार पर जो कैटलिस्ट एक्चुअली इंटर करने से किस तरह से एनर्जी डिक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट
coordinate. के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रेंट हुआ, ये हुआ रिएक्टेंट और ये हुआ प्रोडक्ट और ये हो गया इंटरमीडिएट। Thank you for watching the video.